ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां जीतू पटवारी ने साधा मुख्यमंत्री पर निशाना। साथ ही बात होगी दिल्ली की, जहां भाजपा वालों ने दिल्ली में हो रही पानी की किल्लत का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल सरकार को ठहराया। और बात होगी झांसी की, जहां चर्चित जमीन कारोबारी का एक और कारनामा आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बता दें कि एक दलित की हत्या के मामले में जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। भोपाल से सीनियर संवाददाता राकेश देवानिया की रिपोर्ट। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में हो रही पानी की किल्लत का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल सरकार को ठहराया है और कहा है कि दिल्ली में पानी की कमी दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने समय रहते कोई ठोस प्रयास नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज दिल्ली की जनता पानी के लिए हाय हाय कर रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा, सुनिए। अप्रैल के महीने से पता चल गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है और ये गर्मी लंबी चलने वाली है, पर आज दिल्ली में जो पानी का संकट है, जो भीषण गर्मी है, मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समर एक्शन प्लान पे काम क्यों नहीं किया? जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी हर बार, इस बार क्यों नहीं? क्यों दिल्ली में पानी की कमी हो, इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं किए? पूरे अप्रैल महीने और मई में पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही, भ्रष्टाचार के मामले को छुपाना और जेल से बेल का खेल, इसी खेल में इन लोगों ने अपना समय व्यर्थ किया। पूरे मंत्री सिर्फ पार्टी का काम करते रहे, लेकिन दिल्ली की चिंता किसी ने नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब, हिमाचल, पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, आप वहाँ से पानी ले सकते थे। हरियाणा पे तो आप दोष डालते हो, हिमाचल में आपके गठबंधन की सरकार है, वहाँ से पानी ले सकते थे। दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिले, इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? एक लाइन नहीं बता सकते आप। दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकी जाए, इसके लिए हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने का काम आपका था। जो टैंकर माफिया जिसको आप सर पे चढ़ के नाच रहे हो, उस पर कंट्रोल करने का काम आपका था। आज पूरे दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उसके लिए अगर जिम्मेदार हैं तो कोई आप हैं। और मैं आज भी कहता हूँ, दिल्ली को पानी देना, दिल्ली को बिजली देना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ कोरे वादे किए। दिल्ली से सीनियर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। अवैध शराब के विरुद्ध चौकी पिटोल थाना कोतवाली की पुलिस टीम ने की बड़ी कार्यवाही। चार प्रकरणों में कुल 2,01,19,200 रुपए की अवैध शराब जब्त की है। समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक झाबुआ पद्म विलोचन शुक्ल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमपाल कुर्वे एवं समस्त SDOP के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था और उसी के तहत ये कार्यवाही की गई है। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार भूमाफियाओं पर कितनी भी कार्यवाही करे, पर जमीन पर कब्जे के मामले सामने आ ही जाते हैं। शहर के चर्चित जमीन कारोबारी पर फिर से एक बार अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पीड़ितों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। महानगर पैरा मेडिकल कॉलेज के पास बनी नारायण ग्रीन कॉलोनी निवासियों ने जिलाधिकारी को जमीन पर कब्जा करने को लेकर शिकायती पत्र दिया है, जिसमें अवगत कराया गया है कि नारायण ग्रीन कॉलोनी वासियों ने वर्ष 2015 में बीपी सोनी एवं नितिन से प्लॉट खरीदे थे। इसके असली जमीन मालिक मुन्नालाल प्रजापति थे। तमाम लोगों की अराजी संख्या 232-233 में प्लॉट लेकर भवन निर्माण कराया है और तभी से वह लोग परिवार सहित उस कॉलोनी में रह रहे हैं। जमीन की प्लॉटिंग के समय मुन्नालाल प्रजापति द्वारा 30 फीट का रास्ता भी कॉलोनी में दिया गया है, परंतु अब शहर के एक नामचीन जमीन कारोबारी द्वारा उक्त 30 फीट के रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि मना करने पर भी उक्त कारोबारी नहीं मान रहा, रातों रात निर्माण कार्य चल रहा है। सभी कॉलोनी वासियों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र सिंह के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह यादव, सुक्कू सैनिक हूँ। मैं अपना 15-20 साल नौकरी करके पूरा जो पैसा लगाया मैंने प्लॉट में, और हमें जब प्लॉटिंग हो रहा था 2013-14 में, उस समय 30 फीट का रोड दिया गया है। फिर कुछ सालों बाद उसमें आवास विकास का रोड मर्ज हुआ है, आवास विकास का JDA का रोड मर्ज हुआ है, नया आवास विकास बनाया। उन्होंने हमें कुछ रुकावट आई, लेकिन उन्होंने देखा आपके डॉक्यूमेंट डन है, तो उन्होंने रास्ता दे दिया हमें। फिर अभी 10 दिन पहले हमें मालूम हुआ कि उस पर संजय वर्मा काम करा रहे हैं, मना किया, वो लाड़िया भाई हम तो गड्ढा खोद ही काम करेंगे, हमारा 15 फीट रोड उनको चाहिए है, हमारा रेस्ट ही हो गया है। तो मैं सरकार से, ये मुझे पता नहीं है सरकारी रूल आ गया है क्या नहीं, कि रोड की रेस्ट ही कब से होने लगी है। सार्वजनिक रोड जो एक सिंगल गेट कॉलोनी है हमारी, एक नंबर का सब कुछ हमारा काम है, और सभी पुलिस वाले वहाँ 60% पुलिस वाले जॉब में वहाँ पे अभी ऑन पानी पाए भी
इलेक्शन के चलते उनको छुट्टी नहीं मिल पाई है, उनकी वाइफ आई हुई है और मैं एक्स आ रही हूँ, मैं तो आया हूँ और हम लोग जो भी शासन प्रशासन जो भी इस पर मैं एसपी साहब के पास भी गया हूँ, नवाद थाने में भी गया हूँ, चौकी इंचार्ज के पास भी गया हूँ, मैं सिटी मजिस्ट्रेट से खुद बात किया हूँ और हमारे बिल्डर भी आए, बिल्डर ने डॉक्यूमेंट दिखाया कि लेआउट दिखाया कि साहब हमारा ये सब कुछ डन है, अब रुकावट हमें आ रही है, अभी अगला कब्जा कर रहा है, हमारा कोई रोल नहीं है, बिल्डर बोल रहे हैं हमारा कोई रोल नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको 12 साल पहले हमने कॉलोनी सौंप दी है, आप देखो अभी कोई कब्जा कर रहा है, हमारा कोई रोल नहीं है। तो भाई हमने शिकायती पत्र कहाँ दिया? शिकायत पत्र हमने एसडीएम साहब को भी दिया है, डीएम साहब को दिया है हमने, अब सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी दिया है, उनको बताया अवगत कराया कि ऐसी ऐसी बात है और वो बोल रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री हो गई है, संजय वर्मा जी बोल रहे हैं हमारी रोड की रजिस्ट्री हो गई है। यहाँ से क्या आश्वासन मिला? अभी यहाँ से हमारा वो कह रहा पुलिस वुलिस हम काम रुकवाई है, पहले तो नापतोल सरकारी नापतोल होगी, हम सरकार जो कहेगी हम उस पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो सरकार जो कहेगी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप काम करिए। मैं आरडी कुशवाहा पूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष हूँ, जिलाधिकारी महोदय के पास प्रार्थना पत्र देने के लिए आए, कुछ पूर्व सैनिक हैं और कुछ पुलिस रिटायर्ड पुलिस हैं और पुलिस सेवा में हैं, उन लोगों की कॉलोनी में कुछ दबंग भूमाफिया लोगों ने रोड पर कब्जा कर लिया, उस रोड पर कब्जा करने के बाद जो लोग बहुत परेशान हैं आए दिन, क्योंकि उनके हस्बैंड बाहर ड्यूटी पर हैं, पुलिस में भी है कोई मिलिट्री में कोई कहीं है, तो ये परेशान होकर जगह जगह घूमते फिरे, कहीं चौकी पर गए, पुलिस में गए, सब जगह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर इन्होंने मुझे बताया कि मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, पूर्व सैनिक भी हैं और मैं पूर्व सैनिक का अध्यक्ष हूँ, इसी बहाने इसी नाते में आया था जिलाधिकारी महोदय के पास, जिलाधिकारी महोदय ने नवाबाद थाने यशो को आदेश किया कि उस काम को तुरंत बंद करा दिया जाए और जो भी पीड़ित है उसको तुरंत जांच करके मेरे पास रिपोर्ट जमा कर दिए, पूरा धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। अपने और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए तो सभी परिश्रम भी करते हैं और हर संभव प्रयास भी, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा करना हर किसी की सोच से परे है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जीना तो उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 30 वर्षीय महाराज रवि दत्त की, जो 48 डिग्री की प्रचंड और झुलसा देने वाली गर्मी में भी रेवाड़ी में अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर विश्व शांति के उद्देश्य से कठोर मौन साधना कर रहे हैं। इस संदर्भ में स्थानीय ग्रामीणों की माने तो इस वक्त पूरे उत्तर भारत के साथ दक्षिण हरियाणा में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल हैं। लेकिन विश्व कल्याण के उद्देश्य से महाराज रविदत्त 11 दिनों की घोर तपस्या कर रहे हैं ताकि सभी सुखी संपन्न व स्वस्थ रह सके। इसका सीधा सा समाज को एक संदेश है कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण की भावना से काम करना चाहिए। नाम आपका? हेमकरण। हेमकरण जी, ये जो महाराज जी बैठे हैं रवि दत्त जी तपस्या कर रहे हैं जलती अग्नि के बीच में 48 टेम्परेचर, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है इनका? विश्व शांति के लिए, सबको सुख शांति मिले इसलिए तपस्या कर रहा है। 11-7 दोनों की तपस्या है, 2 साल पहले भी तपस्या कर चुके हैं यहीं पर, ये वैसे यहाँ बालाजी का धाम बना रहे हैं, मंदिर है, निर्माण मंदिर। जो कितने दिन के लिए? 11 दिन के लिए बैठे, मौन भी रखा, मौन रखा हुआ 11 दिन के लिए, 11 दिन बाद ये अपना मौन तोड़े, मौन तोड़े, मौन। क्या संदेश देना चाहेंगे इनके माध्यम से? सबको सुख शांति मिले, अपने लिए कुछ नहीं, सब पब्लिक के लिए शांति मिले, सुख सबको शांति मिले, इस पर पत्ते कर रहे हैं। दूसरी बार? हाँ जी, दूसरी बार कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि जो तापमान चल रहा है इस समय तापमान 47-48 चल रहा है, पशु पक्षी भी अंदर घुस रहे, बाहर नहीं निकल रहे, रोड भी सुन चल रहे 12 बजे से और ये 11 से 2 बजे तक बैठ रहा है, विश्व शांति के लिए बैठ रहा है, हर एक इंसान को शांति मिले, सबको सुख शांति मिले, इस पर्पज से बैठ रहे, हर आदमी को इनका अनुसरण करना चाहिए। मेरा नाम रामचंद्र है, मैं हलुएड़ा गाँव से हूँ। रामचंद्र जी, ये जो तपस्या कर रहे हैं महाराज यहाँ पर 11 दिन की मौन तपस्या, वो भी इतनी भीषण गर्मी के अंदर आग जलाकर, क्या कहेंगे? ये एक संदेश जाता है समाज को, यहाँ इस टाइम के ऊपर पशु पक्षी भी नजर नहीं आते, परिंदा भी मतलब जो है ना अपने घोंसलों में जाकर के छिप गए हैं और रोड के ऊपर से आदमी जाना आना सब बंद हो गया, खेतों में न कोई काम कर रहा है, उसके बावजूद भी 48 का टेम्परेचर चल रहा है रेवाड़ी के आसपास में और उसमें ये बाबा 5 तपों के धोने में तपस्या कर रहा है। ये एक संदेश देना चाह रहे हैं आम समाज को, अब इतने गौर कठिन परिश्रम में करके और हम समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इतना वो हमको वो नहीं होना चाहिए निर्भर, हमको भी समाज के लिए ऐसा ही
कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए, अपने लिए नहीं समाज के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए, समाज के लिए हमें सब, हमें भी सोचना चाहिए, ये विश्व कल्याण के उद्देश्य से कर रहे हैं। मेरा नाम है ध्यान सिंह। ध्यान सिंह जी, ये जो रविदत्त जी बैठे हैं यहाँ पर अग्नि तपस्या कर रहे हैं 9 दिन की, क्या है पूरा उद्देश्य? उद्देश्य ये है जी, इस कड़ी धूप में टेम्परेचर 48-50 के लगभग जा रहा है, और इसमें ये हमारे बाबा उम्र भी इसकी 30 वर्ष है लगभग, और ये तप रहे हैं। ये तपस्या से ये सिद्ध होता है कि समाज में एक उदाहरण है, अभी हम तपस्या में भी धूप में भी कार्य कर सकते हैं, और हमें जैसे मौसम गर्म हो, सर्दी में ठंडा हो, उसमें भी हमें अपने शरीर को तप बल से एक यशस्वी बनाना चाहिए। कितने दिन की यहाँ पर तपस्या? ये लगभग 11 दिन की तपस्या में बैठे हैं और मौन धारण किए हुए हैं, और इसकी प्रक्रिया लगभग आज 5वें दिन की है, 6 दिन ये और तपेंगे। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।